कोई मौलवी है जिंदगी भर चंगा काम कराया खुदा को गरीब की मदद हो गई। चलो मौलवी रोड़ा पा दे शहीद किसी से शहीद जो मोमिन मुसलमान काफिरों से लड़ता हुआ मारा जाए वो शहीद होता है। फिर मैं सोचने के दिन खुदा हो उनका हथों मरना नहीं सी चाहिए मरना काफर नहीं चाहिए खुदा की मदद मौलवी तेरी मदद अगर होगी खुदा की मदद होती तो कोई शहीद ना हो। अगर मदद आनी चाहिए तबाही की दास्तान खुदा से वाबस्ता करते हैं एक बारी अल्लाह को सबूत देंगा मैं रहीम हूँ रहमान हूँ चलो फिर इसको आफजाबाद फैजाबाद गुजनाले जाके नोटों की बारिश कर डालर सफर लोग खुश होंगे अल्लाह डालर की बारिश कर नारे तसद्दी हो जाएगी देंगा भी वरना देने का सबूत किसी के पास अल्लाह के देने का सबूत किसी के पास नहीं है। मौलवी का भी गुजारा चल जाता है मेरा भी चल जाता है अगला रोदा पाता है मेरी टंग बाजी कह अल्लाह तुम शिफा दे जान छुट गई थोड़ी भी साड़ी भी कर बुलावा मेरे आका ने फरमाया था मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ एक मेरी आप बात है और दूसरी मेरी अल्लाह की किताब है दोनों को मजबूती से जमाए रखना खबरदार मेरी आप बात के बारे में अल्लाह के खौफ से डरते रहना मेरी आप बात के बारे में अल्लाह के खौफ से डरते रहना इस उम्मत में मेरे नबी की आप ने खुदा खौफी की थी फिर कहने नबी पाक शिफात फरमान गए उन कुत्तियां ने क्यों फरमान के जन नबी दे संगासा का साथ नहीं देता बिल्कुल सही उन्हें क्यों शफात फरमाएंगे मेरे आका अगो इतने कहने नबी पाक को लाना जायज नहीं मंगना जायज नहीं तो क्या मतलब है शफात मंगने के नहीं मंगने मेरे नबी पाक को कोई शफात नहीं सकता और वहां शफात मांगोगे या हम ही मांग रहे हो क्या मगर दिन क्या नहीं यार मुद्दा बताओ वो आज भी क्या लगा ओ शाम जो ना देने वाला सच्चा हमारा ना भी कोई सबूत नहीं हमने सिर्फ एक सबूत है हमारे पास मेरे रसूल पाक ने फरमाया था अल्लाह है और अल्लाह है मेरे नबी की आल की कहानी बड़ी दर्दनाक है गर्भलाओं में पानी बंद कर दिया गया मासूम बच्चे बिलकते रहे बदनशीन औरतों को बड़ी मुश्किलें पेश आई लगना बाबा अगर मातम जायज होता तो सैयद ज़ैनब ने कर्बला खिलाओ को मातम करना सी जायज किसी ने भी नहीं वो खुदा गैंग बाल इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है एक ज़रबे ये गिल्ला है एक सजदा शबीर कोई मसला ही नहीं उस घराने के लिए कुर्बानियां देना सामने मेरे रसूल पाक खड़े हो बीबी शर्मा से हदीस आती है
कि हजूर के चचाजाद भाई ने इब्ने अब्बास में मेरे आका को देखा तो कपड़े मैले थे, जिस्म पे मिट्टी पड़ी हुई थी। पूछा या रसूल अल्लाह कहां से आ रहा है? फरमाया मैं करबला से आ रहा हूं। सामने सरकार खड़े हो तो मौत मौत नहीं होती। मेरे आका पूछ ले भाई वो शहीद था गाजी भाई, अभी मेरे पास रहना है कि कल आना है? मेरे गाजी ने फरमाया आज की यार मुझे कल आवांगा। मौत हार गई, गाजी लंबी जीत गया, मौत हार गई, हुसैन जीत गया, मौत हार गई थी, हुसैन जीत गया था। मेरे नबी की आज सारे के सारे नबी और मेरे नबी की सारी आज सारे के सारे विलायत के आला तरीन दर्जे पर हैं। इमाम हसन हो, हुसैन हो, इमाम जैनुल आबदीन हो, इमाम बाकर हो, इमाम जाफर सादिक हो, मूसा आजम हो, मेरे नबी की आज की कहानी वलियों की कहानी है। मेरे नबी की यार की कहानी गौसों की कहानी है। गौसियत मेरे नबी पाक के घराने में रही। इमाम हसन असरी की औलाद नहीं, उनकी औलाद कोई नहीं। उन्होंने खलीफा बगदाद को वसीयत की मेरी औलाद कोई नहीं यार। में इमाम ने मेरी जायदाद मेरी मान मिलती है। फिर वो रोड़ा रोड़ा बना लिया बार में इमाम का जमीन के कानून में बदल बदल बदल। बारवा इमाम आएगा, पहला आएगा। अल्लाह का कानून भी नहीं बदलता और जमीन का कानून भी नहीं बदलता। जाने वाले आया नहीं करते। बड़ी किताबों में है, बड़ी हदीसें हैं, फलां आएगा फलां आएगा। आता तो मेरा रसूल आमना का लाल वापस आता और किसने आना था? उनसे बड़ा दर्जा किसका? फलां भी आएगा, मैथी अलैहिस्सलाम आएंगे, दजाल से लड़ेंगे, गधे पे बैठेंगे, नेजे से लड़ेंगे, खोते नेजे की लड़ाई कितों रहेगी? हम तो मान लेते हैं ना मनन मोदी रोड़ा पा जो मनाओ मान लेंगे, जमाने की गलत कर मनाओ मान लाना, पर कुछ खुद ही गौर कर। इस धरती का कानून ये है, जाने वाले आया नूह अलैहि सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहि सलाम से लेकर मेरे आका का कोई दोबारा नहीं आया। वो कियामत तक फिर भी नहीं आएगा। आजा तो खुदा का रसूल आता, आजा तो मेरा हुसैन आता, आजा तो मेरा हसन आता, वो कोई किसी ने नहीं आना। वो शहीदों का ताजदार है, नबी की आल है, जमाने का गौस है। इमाम हसन जमाने का गौस है, नसर दसर आले रसूल गौसों की नसर है, सारे गौस है। इमाम हसन असली मेरे आका के शाहजादे औलाद है, आगे औलाद नहीं हुई, बाकी औलादे होंगी। कहते ये हैं कि जब मदीना में गौसियत खत्म हुई तो बगदाद में पहुंची। मदीने में गौसियत खत्म हुई तो फिर बगदाद में पहुंची। पहले तो मेरे आका की आल, ये भी आल का बताया। मेरे नाना जी बहुत बड़े आलम थे, बड़े नजर रखने वाले वली थे। आपने किताब लिखी कि हजूर गौस पाक का मकाम बुलंद है या मुजद्दद रफसानी का दर्जा बुलंद है?
क्योंकि उधर आबादी बड़ी घट। मेरा एक मरीज सी फौत हो गया, अल्लाह से जन्नत अल-फिरदौस में जगह दे, शहीद हो गया हादसे में। उसने मुझे शाम से फोन की कि मैं फलाने नबी जी मजार से खलौते हैं, तुहानू फोन कर रहे हैं। इस मजार से 15-15 किलोमीटर तक अजा भी आबादी कोई नहीं, अल्लाह ने नबी उत्थे भेजे जिथे बंदे कोई नहीं सन, ते जिथे बंदे सन ते खुदा ने भी कोई नहीं भेजे। बहुत कम आबादी थी कि मैं शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र पे खड़ा आपको फोन कर रहा हूँ, यहाँ दूर दूर तक इंसानी आबादी नहीं। आबादी हिंदुस्तान में थी, मुजद्दद पाक से लाखों लोग फैजयाब हुए, तो उन्होंने किताब में ये निचोड़ निकाला कि दीन की खिदमत में मुजद्दद पाक का दर्जा बुलाना है। किताब लिखी गई। एक दिन रात को नाना जी रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में मौला जी आए, वादा फरमाती थी कमर करके खड़े हो। मेरे नाना जी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हजूर क्या गलती होगी मुझसे कमर क्यों कर रही? फरमाया, ज़करिया तू ख्याल रखा, अब्दुल कादर मेरा बेटा है, अब्दुल कादर मेरा बेटा है, तूने किताब पे लिखी है पर अब्दुल कादर मेरा बेटा। ख्याल आया, उठे वो सारी किताब जला दी। अब जब अर्दली ने मोर लगा दी, स्टंप लगा दी विलायत, बड़े आलम कशफुल कबूल खड़े खड़े कशफ करना, उनका दावा था कि मैं खड़ा हो जाऊं तो मलकुल मौत खड़ा नहीं हो सकता। मैंने बदी की निशानी क्या है? फरमाया, बदी को है जिसके सामने बिल्कुल मौत खड़ा ना हो सके। जी मौलवी ने रख फटकी, एक श्यामल सानवी पुरानी मौलवी होता सी पिशौर की गल है, उनके हजूर बादशाह साहब अगर वली वलियों से मलकुल मौत नजरे नहीं मिला सकता तो वली मरते कैसे? उनको बैठ जा बेवकूफ, उनका वली उसकी कर्म से जीते हैं, उसके रजाओं से जीते हैं, वली उसकी रजाओं से जीते हैं, उसकी रजाओं से मर जाया करते हैं, उन्हें मलकुल मौत की जरूरत ही नहीं है। खादिम ने जन्नत में खुद गुसल किया, खुद कपड़े पहने, चादर नहीं लेट गई, बड़ा खबरदार अब तेरे ही सबके साथ कोई हाथ ना लगाए। ठीक है बाबा, शरीयत तेरे नबी पे वो क्या कहते खड़ी रही, वो हाथ बांध के खड़ी रही शरीयत मेरी, उनकी नलाना दुलाना मरने के बाद सब खत्म। पहले वो सोचा लगा वह घराना ही पाक, उस उसर की भी जरूरत नहीं थी, अपने कपड़े पहने लेट गई, अली को नसीहत की मेरी कब्र ऐसी बनाना जिसका निशान कोई ना हो, अल्लाह ताला माफ़ है माफ़ी दे। मेरे नबी पाक की शहजादी को कौन सी प्रॉब्लम थी कि वो कहती थी मेरी कब्र की निशानी कोई ना हो? कोई तो नहीं कर कब्रें तो सब नहीं थी पर निशानी फरमाई कि मेरी कब्र का निशान ना। खुद समझदार हो, यह जो सिद्दीकी का वाक्य है सारे समझदार। मेरे नबी की याद ये जो दर्जा है खतूनी जन्नत का, मेरे नबी की बेटी का शायद ही किसी औरत को दुनिया में नसीब हो, वो
मेरे किबला नाना मुन रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि चलो जब मौला ने मोहर लगा दी तो चलता हूँ बगदाद जाता हूँ। पिशावर से बगदाद पैदल गए, उस वक्त सफर इसी तरह था। पैदल बगदाद सीख गए, फिर आगे खुद मैंने उनसे सुना, फरमाया थे बगदाद सिर्फ हाल कोई नहीं था, सब कारखाने कुत्ते रखे हुए थे, बटेरे रखे हुए थे, मूछें रखी हुई थी, हाल कोई नहीं था। मैंने सोचा ये अपनी रोड़ी बैठे जिम्मू की दे रही, कुछ देर बगदाद में रहा तो वापस हो गया। बगदाद से निकल रहा था तो ख्याल आया कि अगर ये लोग खराब भी हैं तो तेरा क्या बिगड़ेगा, तू तो चले जाना। रोज तकरिया ये सफर नहीं होते, आया है तो हजूर गायफा की औलाद का बैत हो जाए, ये जी भी है। फरमाया मैं गया, सबसे बड़ा बेटा था उसको अर्ज की हुजूर मैंने बैत होना है, उन्होंने मुझे बैत कर लिया, हुक्म दिया कुछ दिन ठहर जा, इंतजाम से आया बड़ा दूर है।